किसी मुफक्किर ने क्या खूब कहा है कि एक तस्वीर हजार अल्फाज से ज्यादा मौसर होती है। तस्वीर और पेंटिंग्स इंसान के उन जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते हैं जिनको किसी दूसरे पैराए में बयान नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में एक निजी आर्ट गैलरी के जेर एहतमाम तीन नए उभरते हुए नौजवान मुसव्विरों अली अब्रार, ज़हरा काज़मी और सारा शेख की पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मौजूद ज़हरा काज़मी की पेंटिंग्स की एक खास बात ये थी कि जो तसलसल के साथ एक कहानी बयान कर रही थी। उन्होंने मास्क पेंटिंग्स के जरिए इस इंसानी जज्बे की अकासी की है जहां इंसान अपने जाहिर को छुपाने की कोशिश करता है। ज़हरा काज़मी ने शोख और उजले रंगों के इस्तेमाल से अपना मकसद बयान किया है। उनका काम ताजगी का एहसास लिए हुए है। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मास्क पहनते हैं कभी सोशली एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, और बहुत कम मेरा ख्याल है वक्त होता है जब हम अपना ट्रू सेल्फ पोर्ट्रे करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ अस, इट्स नॉट नेसेसरीली बैड, लेकिन हम होते हैं बिहाइंड मास्क। नुमाइश में रखी गई सारा शेख की पेंटिंग्स में जज्बात का अंसर नुमाया नजर आता है। उन्होंने कैनवस पर ऑयल के जरिए मुख्तलिफ रंगों की आमेजिश से एक जादुई दुनिया पैदा करने की कोशिश की है। फितरत के हसीन मनाजर को इस खूबसूरती और वजाहत के साथ पेश किया है कि देखने वाले इन पेंटिंग्स की रूह तक पहुंच जाते हैं। इतनी होपलेसनेस है दुनिया में और इतना ज़्यादा स्ट्रेस है हमारे कामों में, हमारे वक्त के अंदर, कि हम टाइम नहीं दे पाते उन छोटी चीज़ों को जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम एक समुंदर के किनारे पे बैठ के उसका रिफ्लेक्शन ही देख लें तो बहुत खूबसूरती है नेचर में। नेचुरली हम अपने अंदर से खूबसूरती निकाल सकते हैं, उसको मैंने डिपिक्ट किया यहाँ पे कि शाम के वक्त हैं और हमें कोई बहुत पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं चाहिए, हम इस तरह से भी अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तीसरे मुसव्विर अली अब्रार का ताल्लुक कराची से है। उन्होंने अपने काम में मिक्स मीडियम के जरिए तामीरात और ख़ास तौर पर इस्लामी फन तामीर को उजागर किया है। उन्होंने भी शौख रंगों की आमेजिश से इस्लामी फन तामीर के डिज़ाइंस को वाज़ह करने की कोशिश की है। जमालियाती ज़ौक रखने वाले अफराद ने नुमाइश में रखी गई पेंटिंग्स में गहरी दिलचस्पी ली और तस्वीर की खूबसूरती को अपने अल्फाज में कुछ इस तरह समोया। तीनों आर्टिस्ट स्ट्रक्चरल है, सिर्फ रंगों से या इमेज से काम नहीं लिया। स्ट्रक्चर के मुराद जो पेंटिंग तीनों का जो बना हुआ है, तीनों में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। मुझे सबका काम बहुत अच्छा लगा, मुझे सारा का काम अच्छा लगा, मुझे ज़ारा का काम अच्छा लगा, दोनों का काम बहुत अच्छा, और तीसरी भी बहुत ही अच्छी है। किसको बेटर समझेंगे, सारा या ज़ारा? सारा, और क्योंकि ये सब बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने काम को, बट मुझे उनके सोच अच्छी लगी क्योंकि शी इज़ डिस्कवरिंग द वैनिटी इन वुमेंस ड्रीम, सो या दैट्स ब्यूटीफुल। सबके कलर्स बड़े ब्राइट हैं और तीनों आर्टिस्टों ने अपनी जगह जो काम किया बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया है। हर एक ने अपना मैसेज दिया। रंगों की जो सिलेक्शन है वो बहुत खूबसूरत है और मेरे ख्याल देखने वालों पे एक बहुत अच्छा तासुर छोड़ती है कि हर किसी ने अपनी जगह बैठ के एक खूबसूरत काम किया है। तीनों ने अपने अपने अंदाज से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वैरायटी है काम में। लाइक अभी जैसे अब्रार का काम है, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और कराची के जिस तरह लैंडस्केप्स या उनकी आर्किटेक्चर को इन्होंने अपना सब्जेक्ट बनाया है, और उसी तरह आप अगर सारा का काम देखें तो उनका जो लैंडस्केप है वो बहुत वाइड लेंस में है, और अगर आप ज़हरा का काम देखें तो वो टोटली कॉन्सेप्चुअल है। मुझे ज़हरा का काम बेहतर लगा है और इनके काम के अंदर मेजरली मैंने मास्क देखे हैं और फेसेस देखे हैं। इसके बीच में डिफरेंट स्टोरी है, किसी का नाम सीक्रेट है, किसी का नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और अगर आप एक सीक्वेंस से जाएं एंड से लेकर टू द फर्स्ट वन, एक कंटिन्यूस स्टोरी चलती हुई आ रही है। पेंटिंग एक ऐसा मीडियम है जो इंसानी जज्बात और एहसासात की अकासी के साथ साथ हकीकत के पर्दों को भी वाह करने में अहम किरदार अदा करता है। ये इंसानी फितरत के छुपे हुए राजों को अफशा करने का हसीन तरीन जरिया है।